परेशानी हो गई। आशीर्वाद दे दो जय माता दी। छोटी छोटी माता रानियों के हम पैर धो लेते हैं क्योंकि बाला हमारे घर में ही उतारते। तू बाकी बारी आ गई। जो बाल काटता है ना उसको 5 करोड़ रुपए भी देते हैं। नाई के मुंह से ये बातें सुनने में अच्छी लग रही। आपको बुलाया है ना कटिंग करने के लिए, बहुत बड़ी बात है। गाइस अगर किसी को भी बच्चों का मुंडन करवाना हो तो मुझे मैसेज कर सकता है। गोलू गिरेगी ये सुनती नहीं थी और ये जाके ना गटर में गिर गई और पता कैसे निकली बाहर काली। नई साबुन जो लाया था वो साबुन से भी स्मेल आने लगी थी। अन्याय होता हमारे साथ। आपका हो गया। हाँ। और कोई बात याद हो तो बता दो। 3 करोड़ चाहिए। अपने सिस्टम को भी लेकर आए ना। कच्चा से ड्राइवर सीट होती थी उस पर छिपकली थी। गाड़ियों में चूहे ले आते हैं, कभी छिपकली आते हैं, मरवाना चाहते हैं हमें। तो गाइस ये साड़ी बहुत पसंद है मुझे। 1,50,000 की है। और मैं साड़ी लेके जाऊंगी भाई। कैसे हो? नवरात्रि का फल मिल गया। नवरात्रि का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज चुके हैं 7। मैं गोलू इवन दोनों टकले हमारे उठ चुके हैं और टकली जो है अभी आज होने वाले टकली वो सोई हुई है। तो उसको हम सोने देंगे, बड़े भाई को भी सोने देंगे। हम करेंगे आज अष्टमी की प्रिपरेशन। तो फटाफट उठ चुके हैं, पहले अष्टमी का जो भोग बनाएंगे उसके बाद करेंगे सारा काम। रेणु मेरे टोले को गुड मॉर्निंग। टोला बजा दो, टोला 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 बजा दो। तो यहाँ पे बड़ा भाई बहन दोनों को मैंने सुलाया था, उसके यहाँ तकिया लगाया है ताकि गिर ना जाए। मैं टोला किचन में कहा करने आया है, छोले पूरी खाएगा आज क्योंकि छोले उबालने हैं अभी। इसकी पूरी नजर टोले की छोले पे है। तो मैं और गुलू करने वाले हैं ट्यूनिंग और ये तीनों बच्चे भी करने वाले हैं थ्रीनिंग। इनके जो कलर हैं वो चेंज है, बाकी पैटर्न सेम है। ये नानी के घर से आए थे और ये मैंने और गोलू ने खुद से सिलवाए थे। तो मैं और गोलू करेंगे ट्यूनिंग। गुड मॉर्निंग। तो बोली गोलू मैंने सोचा चीकू के लिए। हाँ सही लगा। इसको सलवार ढूंढ देती हूँ। ये कैसी लगेगी गोलू? बहुत ही सुंदर लगेगी। बहुत ही भोग के छोले उबल रही है और साथ ही साथ ना हलवे के लिए कढ़ाई भी रख दी है। किसी को पता ना हो ना तो यहाँ बता नहीं सकता कोई कि यहाँ पे तूबा रानी सो रही है। मैंने तूबा के ना सर पे हल्की सी ना मतलब कि ये दे दी, ब्लैंकेट दे दी क्योंकि बच्चे सोते हैं ना ठंड लगती है। तो कल रात को ना मैं को इतनी तेज नींद आ रही थी ना, इतनी ज्यादा तेज नींद आ रही थी, पाल सो गई थी। मैंने ना बिना ब्लैंकेट के सो गई। मैंने कहा चलो यार नींद आ रही है ऐसे सो जाती हूँ, एसी तो चल नहीं रहा, पंखा भी 3 नंबर पे था। फिर सुबह 6 बजे के करीब आंख खुली ना तो इतनी तेज ठंड लगने लग गई, फिर मैं ब्लैंकेट लेके आई अपने लिए पाल के लिए। तो गाइस मेरा शावर हो गया एकदम डन और पाल का भी शावर हो गया। तो बस अभी पाल करने जा रही है पूजा और जब तक मैं रेडी। गोलू हाँ। माता रानी का वो पाउच जो हमने कंजक के लिए मंगाया है हाँ। वो देख मैंने यहाँ भोग रखा, अभी लेके आती हूँ। मेरी माता रानी। तो गाइस तूबा की तो हम लोगों ने फ्रॉक निकाल दिया रेड कलर की। तूबा गई है शावर लेने के लिए, ये खुद नहीं गई, आंटी लेके गई है। और साथ ही साथ में मैंने दोनों बच्चों के लिए सेम कपड़े निकाल दिए क्योंकि जैसे मैं और पायला सेम सूट पहन रहे हैं तो मेरा मन है कि ये दोनों भाई भी ना हमेशा ट्विनिंग करे। तो दोनों के सेम कपड़े निकाल दिए। तूबा तो हमारे साथ ट्विनिंग अभी कर नहीं सकती क्योंकि बहुत छोटी है, वरना आगे बड़े हो गए ना वो हमारे साथ ट्विनिंग करेगी। जो हम पहना करेंगे, जिस कलर का पहना करेंगे, जो भी मतलब सिलवाया करेंगे ना सेम उसके लिए भी सिलवाया करेंगे। जैसे अभी हम आजकल सूट पहन रहे ना तो उसके लिए भी छोटा सा बनवाया करेंगे। ये कपड़ा सही ना थे पता है, ये गर्मी भी नहीं लगी। ओ मेरा टपोलू, इसकी पहली गंजक है तूबा। गोलू तूबा की ऐश है। हाँ भाई ऐश है, ये खुद लेगी तूबा। कह रही मैं लूंगी, भाई खाएगा, ले लो। जब आप 2-3 साल बाद खा लेना, ये लो। थैंक यू बोलू चाचू को। थैंक यू, आप ले लो, बाद में डिसाइड कर लेंगे कौन। ठीक है, कैसी लग रही तूबा? तूबा एक बार ऐसे भी दिखा देती हूँ मैं तूबा की पूरी ड्रेस, क्योंकि अभी तूबा ना सिनेमैटिक टेक नहीं दे सकती, छोटी है। तो तूबा ने पहनी है फ्रिल वाली फ्रॉक, जो देना पीछे से क्या बोलते पाए, फेरी वाली फ्रॉक। और ये है इसकी बैक साइड। ये इसने मम्मा को रखा है कि मम्मा मेरी फ्रॉक संभालेगी और मैं खड़ी होंगी। ये तूबा गुड बाय। तूबा क्या हुआ? योनी को गड़ी, मेरी योनी को गड़ी। जोर से बोलो जय माता दी, करते जाओ बड़ी बड़ी बढ़ते जाओ। जोर से बोलो जय माता दी, आवाज नहीं आई। जय माता दी, आशीर्वाद दे दो। जय माता दी, आशीर्वाद दे दो। जय माता दी, ले लो लो सारे आशीर्वाद। मेरी माता दी आई है, मैं माता रानी की वो भक्त सबसे प्यारी। जय माता की, आशीर्वाद। बाल भी फूटती है थोड़े थोड़े, इसके बाल फूटेगी उसको आशीर्वाद मिलेगा। आओ ममता दीदी, पैर देखो माता रानी के पैर देखो। आज तूबा ने ना नई पायल पहनी है, साथ में न्यू लेगिंग्स, सब
कुछ न्यू न्यू, और ये वही वाला हार है और ब्रेसलेट है, इसका भाई लेके आएगा कल कि मेरी बहन की पहली कंजक है, मैं लेके आऊंगा गिफ्ट। ये गंजी उठ गई, ये छोटी सी गंजी, मुर्गी चोर, मुर्गी चोर, अंदर चोर, गंजा टकला मुर्गी चोर, गंजा टकला मुर्गी चोर। इसका ध्यान देखो का ध्यान है। गिफ्ट किसको मिला है मुझे बताओ, दीदी को मिला, आप सब मिलके खा लेना, ठीक है, सारे मिलके खा लेना, ये कोई नहीं खाएगा, चीकू खाएगा, चीकू ओनली चीकू, बोलना पड़ता है ना, मिलके खा लेना। अरे मैंने तो आपके लिए कुर्ता पजामा निकाला, देखो आपका अंडा भी उठ गया, उसके पापा भी आ गए, नहा धो के रेडी हो गए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग, और मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से सभी को अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओ छोटा बाबू भी रेडी हो गया, देखो ये है टपोला, ये उतर नहीं रहा टपोला, ये हमारा, ये हमारा चिट्टी, ये चिट्टी चिट्टी महाराज, ये भी तोबा कोई देख रहा है। अच्छा मैं पास से दिखा देती हूँ, बहन को पहचान नहीं पा रहा। तो गाइस अभी अभी क्या सीन हुआ है ना, चीकू को ढूंढने पाया और गोलू नीचे चली गई और दूसरी लिफ्ट से ऊपर आ गया। कहाँ था तू? नीचे था बाबा, खराब है लिफ्ट, खराब है। जय माता दी, कैसे हो आप? चिकू ये आपके फ्रेंड है सब लोग? सब जानते हैं आपको? जानते हैं। क्या क्या नाम है इनका? इनका नूर उक्ता। छोटी छोटी माता रानी को हम पैर धो देते हैं पहले, आ जाओ। हाँ हाँ और क्या। हेलो तो ये हमारे घर की सबसे छोटी कंजक है, मुझे लग रहा है पूरी सोसाइटी की सबसे छोटी कंजक है। सही बात है। जाओगे अब भी अगली साल से ये भी जाती रहेगी इसका घर पे आके सबको देख रही है बच्चों को। बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी। पहले सबसे छोटी कंजक को मोली बांधेंगे। सुबह देख रही है ना, सुबह को थोड़ी लूज करूंगी ना। एक सेकंड सुबह, एक सेकंड सुबह। कैसे लगवाया टीका? वैसे टेढ़ा कहते हैं, जिसका टेढ़ा लगता है ना टीका वो बहुत भाग्यशाली। दिखाओ, दिखा दो तू। अरे क्यूटी बॉय, जय माता दी, जय माता दी बेटा, जय माता दी। गाइस हम बच्चों के लिए बॉक्स लेके आए हैं और वहाँ पे वो भी रखा है, बना लेती हूँ प्लेट्स पे। हाँ जी, इसको पिंक देना। पिंक कलर आपको चीकू ने बोला है, उसकी फ्रेंड ने उसको पिंक कलर देना। पहले ना ये होता था कि ना हम कंजक पे जाते थे ना, दूर दूर तक जाते थे, एक गली पार करके दूसरी गली पार करके। पर आपके सोसाइटी है ना, तो सब बच्चे इजिली आ जाते हैं घर पे। तो बच्चों जोर से बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी, खुल के बोलो जय माता दी, मैंने सुना जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी, मैंने सुनिया जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो आयान कह रहा है मुझे भी पापा कोकले में बिठा दो, मैंने बोला ठीक है बिठवा देते हैं। तो सभी माता रानियों ने भोग लगा लिया बहुत अच्छे से, अब है हमारा आशीर्वाद लेने का टाइम। ये होता है आशीर्वाद। नहीं बीच यही होता है बेटा आशीर्वाद। माता रानी आ जाओ गुरु। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। बोलो मेरे हाथ लगा रही है। चलो जी अगली बार भी आना बच्चों, ठीक है? चीकू ने दिया आशीर्वाद। आपको लेके जाने, ठीक है मैं इसको पैक कर देती हूँ, इसका सामान आज से ही यही रहेगा। जाओ बेटा, जाओ आईना दीदी के साथ जाओ। पहले चीकू भैया जाते थे, अब हमारा जैद हो जाएगा। छोड़ के वहाँ पे पक्का? हाँ ले जाओ। बोलू बोलू बोल, जवान नहीं खुल रही, बोलू भी तो चलो आईना, चलो बाय। मेरी जवान नहीं खुल सकती गाइस, घर से बाहर नहीं भेजती है। बिना सबको कंजक दे रहे थे, शांति देख रही थी कि मैं भी काश बच्ची होती। कोई बात नहीं शांति, ये ले बेटा, ये ले शर्मा मत, आ जाओ। सबकी कंजक शर्मा खर्चा मत करना ज्यादा, ठीक है? देखो ये देखो, देखा जाए तो उनकी शादी नहीं हुई ना, तो कंजक का ही रूप होते हैं बच्चे तो। और कौन रहेगा? आंटी रहेगी, ले शांत ले, ले ले। और एक हमारी कंजक सो रही है। बात तेरी भी शादी नहीं हुई, सही बात है। हमारी एक कंजक तो सो रही है अपने घोड़े बेच के, टीका लगा के आ गई। ये 100 ग्राम गैस को 1 किलो का कर रखा है, इतने कपड़े बना रखे हैं। ये लकड़े कभी तो गिवे हो, ये नहीं बेटा, हां ऐसे बोल सकते हो, बस हाथ लगा दो, हाथ लगा दो काफी से। बस टीका लगा दो, हां लगा दी।
अयान का आज उस टाइम जैद जो नहा रहा था हाँ। तो इसलिए इसको टीका लगा। मेरे को दे दो मैं खुद लगा ले। ओले मेरे तबोला कितना बाला बाला लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो गाइस बड़ी नाइंसाफी हो रही है जैद के साथ। देखना उल्टा पजामा आंटी ने पहना दिया। मैंने कहा आंटी उल्टा है। आंटी कहीं उल्टा है। मैंने कहा हाँ उल्टा है। टपोले पे लगा दिया काला टीका ताकि नजर न लगे दोनों बच्चों को। तो अभी आ गई है तूबा की बारी और आज अष्टमी है। बहुत ही शुभ दिन है, अच्छा दिन है और लड़कियों के बाल ना हमारे घर में ही उतारते हैं। तूबा की बारी आ गई। जो बाल काटता है ना उसको 5 करोड़ रुपए भी देते हैं। ठीक है ले लेना। अगले साल लेना। 5 करोड़ अगले साल ले लेना। हमने देखा है हम देखेंगे 10% तो दो। आपको बुलाया है ना कटिंग करने के लिए बहुत बड़ी बात है। आपका प्रमोशन भी हो रहा है यूट्यूब पे। माता रानी कन्या रानी का आपको मौका दे रहे हो कटिंग करने की। आप आगे से करो ना इसलिए। आप एक बात बोलूं, आपने इसको बिल्कुल सही करा हुआ है, बैठाया हुआ है। तूबा तूबा की चांदा पाल। वैसे कितना अच्छा लगेगा ना तीनों बच्चे गंजे गंजे। चलो शुरुआत हो। चलो तूबा के बाल हमें जब तक शादी नहीं होती तब तक संभाल के रखना। नहीं सवा साल, सवा साल संभालने। उसके बाद ना जहाँ पे जीन माता है ना हमारी वहाँ पर ही हम चढ़ा देंगे। बड़ी बड़ी लट्टे मैं संभाल लूंगी सारे। पर पंखा नहीं चल रहा, टेंशन मत ले। अब जब तूबा के सर पे वो डलेगा ना पानी तो तूबा को फील नहीं होगा। पानी ऐसे लगेगा जैसे हम वैक्सीन कराने के बाद ना हमारी लेडीज के ऐसा होता है पानी ऐसे फिसलता है ना उसी लगता है पानी नहाए नहीं हम। इसके पापा कर रहे हैं ना, एक्सपीरियंस भी है ना दोनों बच्चों को किया है ना। चीकू का भी इन्होंने किया था ना पहले एक बार। गाइस अगर किसी को भी बच्चों का मुंडन करवाना हो तो मुझे मैसेज कर सकता है धीरज को। थोड़े चार्जेस एक्स्ट्रा होंगे पर कोई बात नहीं, कर तो देंगे आगे। सेफली कहीं काटे भी नहीं लगाए हैं। ऐसे कहा लेके जाओगे वैसे, हमारी लड़की है ये, ऐसे मजाक मत करो उसके साथ। चलो लड़कों का तो हम संभल लेंगे। अन्याय भी होता है हमारे साथ। चीकू क्या बोला आपने, दोबारा बोलना। बहुत दूर से आया ना कटिंग करने के लिए। अच्छा आपसे बात पूछनी थी सर, आप अपने बाल भी खुद ही करते हो सेट वेट? हाँ जी हाँ। मतलब पहले आप जैसे करवाते थे अब आप खुद ही करते हो? हाँ जी हाँ। बोलूं तूबा की गर्दन पकड़ लेना, बातों में इतनी लगी पड़ी है। नाई पे लाइन मार रही है। चुप रहो जी। तूबू चुपू मैं दुबू चुपू मेरा यू ना बेबू। अच्छा ठीक है काम करती हूँ मैं, यहाँ पे चलाती हूँ कोको मेलन। हम दो बेटा तू बस जाएगी स्कूल जाएगी। हम तूबा को 2-3 बार अंदर कराएंगे ना, जैसे तू गई थी बड़ी क्लास में एक बार, 6th क्लास में। तो पायल ने तो वो अच्छा पूजा तूने ये नहीं पूछा पायल 7th क्लास में इतनी बड़ी गंदी हुई। दोबारा पूछ के उसकी बेइज्जती कराना। ये चाहती है मेरी बेइज्जती हो सबके सामने तभी तो बार बार ये बात करती है। ये फेल हो गई थी क्लास में, उसके पापा ने गंदा कर दिया था फिर इसको सारी मरिंडा बोलते थे और टपोले पे टप टप कर। गाइस ये बार ना मम्मी के साथ जा रही थी और मम्मी ने बोला कि बेटा गोलू गिरेगी गिरेगी गिरेगी, ये सुनती नहीं थी और ये जाके ना गटर में गिर गई। और पता कैसे निकली बाहर? काली जैसे गटर होता है, जैसे गटर होता है गटर में कीचड़ नहीं होता कीचड़ नाले में उसमें से ऐसे। इसकी मम्मी ने ना इसको इतनी बार निलाया तो घर ही नहीं रखा था, बाहर रखा था पड़ोसियों। नहीं साबुन से नहाया था, वो साबुन से भी स्मेल आने लगी थी। हो गया आपका? हो गया। और कोई बात याद हो तो बता दो। मेरी तो कोई बात ही नहीं है। आपकी बात सोच रही थी मैं, आपको याद है नदी में? पायल को याद है। इनकी कोई बात है? बहुत याद है मुझे। आधी भी तो आज बताई दी। तो एक बार ना चीकू के पापा ना साइकिल इनको आती थी चलानी, तो वो गर्व की बात है साइकिल चलानी आती थी। तो एक लड़की ने बोला मुझे ना साइकिल चलाने सिखा दे, मैं तेरे को 5 रुपए दूंगी। इन्होंने मेहनत करके उसे रोज साइकिल पे ले जाके सिखाया। बहन थी वो मेरी बहन, सीख गई वो। सीखने के बाद ना इन्होंने बोला अब तू सीख गई 5 रुपए दे। उसने कहा मैं दे रही 5 रुपए। इन्होंने क्या किया उस लड़की को लेके गए और उसको बोले चलते को ना साइकिल पे लेके चलता हूँ तू वहाँ चलाइयो। वहाँ नहर पे लेके गए और उसे पीछे से लात मार दी और वो गिर गई पानी में। वो तो कालू भैया 7 पे थे बचा लिया उसे। है तो ये बचपन से इतने शरारती थी ना, बहुत शरारती थी। मेरी बहन थी, चाचे की लड़की थी। बेटा मैं तो ये बता रही हूँ शरारती कितने थे। उस तरह ले अब तो उस तरह की भी जरूरत नहीं है, ये तो पूरा टपोला बन गया भाई। ये तो मस्त टपोला लग रहा है। बाल तो सारे हैं, बाहर तो नहीं जा रहे संभालने के लिए, घर पे तो है। पता है मुझे थोड़ी मंदबुद्धि लगती है। कौन? मैं
पहले मेरी तरफ उंगली फिर तेरी तरफ। मैं बोल रही हूँ घर पर ही मैं आपकी तेरी तरफ कर रहा हूँ उंगली। मैं इस बार सही है, दोनों उंगली कर रहे हैं। पकड़ ले यार, बुलाना लग जाए। नहीं बाल कहीं उड़ेंगे नहीं ना, हमने सब जगह पंखा बंद करा हुआ है। बस गुड्डू अब इससे ज्यादा बोलेंगे, थोड़ा आगे तो करना पड़ेगा। ऐसे तुम्हारे के बाल लंबे लगते हैं पर निकले थोड़े से, ये ना इसके बाल कम थे। मत्थे पे मत करना, मत्थे पे उस तरह थोड़ी मार रहा हूँ, ये तो ना ही करता हूँ। हिल बहुत रही है, हटा दे बस। अब उस तरह देखा, छोटा सा टमाटर निकला है सर, बड़ी फुटबॉल नहीं होती। कोमल लोहे का नहीं फैक्ट्री ऐसे घुमा के लोगो को पता लगे की तू बी ब्लॉगिंग में बोल दूंगा, किसी को भी करवाना है बच्चे का। नहीं नहीं, ये प्रमोशन के लिए बुलाया हमने आपको, ठीक है? तो चार्जेस इतने मांग रहे हैं ऊपर से। मैडम चार्जी थोड़े 200-400 रुपए कम दे रहे हमारे यहाँ पे प्रपोजल करने की जरूरत नहीं है। 2 करोड़ में 100 रुपए कम भी करेंगे तो क्या कुछ होगा? थोड़ी टैक्सी किराया मत देना, क्या हो गया? अच्छा टैक्सी किराया भी हमें देना है क्या? आप तो फ्लाइट से है। मैडम फ्लाइट से यहाँ तक छत पे थोड़ी फ्लाइट। सही बात है क्या है ना, मेरी छोटी बहन थोड़ी मंद बुद्धि है, ठीक है? पूरा मेरी बड़ी बहन है ना, वो एकदम बुद्धि है। बुद्धू है, बुद्धि ज्यादा बुद्धि है ना, तो इसलिए हम मिक्स होके ना एक बुद्धि बन जाते हैं। तुम नाइक के साथ अरे थोड़े साल पहले तो ये इसके पति से फ्रैंक हो गई थी। तुम भी सर बोलो। कृतिकम मैम, पायल मैम, टपोले इधर देखो, टपोले इसका ध्यान। तो मैंने ना सूरज भैया को बोला पीछे से कि आप तूबा को हंसाओ और तूबा मेरी चूड़ी देखेगी। ये लो तूबा, सोनी सूची मम्मा का नाना, ए मेरा गुज्जू बाबू, ए छोटा छोटा बोला, ठीक है? पापा इतने प्यार से कर रहे हैं, पापा बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पापा बहुत प्यारे बाबू है, ठीक है? आप बेटा डांस करते रहो प्लीज। कभी भी ना कोई काम आए ना आए, चीकू है ना हमेशा अपने भाई बहनों का साथ है। अरे जिंदगी का पानी नानी है, क्या जादू है देखो, ऐसा चिकना निकाला ना बच्चे को, निकला ना, देख लो मैडम कहीं भी बाल नहीं गिरा है मैंने। एक काम करना सर, ये जो वाइफ है ना ये भी आप मेरे को दे देना, मैं पन्नी में डाल दूँ, घुमाओ मैडम, संभाल के रखना पड़ेगा। अभी सर अभी घुमाते हैं, देखो आपने मेरे को मैडम बोला, मैंने आपको सर बोला, कितना अच्छा लगा। सर भी घुमाओ ना, घुमाती हूँ सर। अभी आप एक बार बोला साफ, ज्यादा बातें नहीं हो रही है, करनी पड़ती है, करनी पड़ती है यार, करनी पड़ती है। हो गया कच्चा सेब है ये। शांति कह रही थी कि जब शांति ने अपने बच्चों का मुंडन करवाया था ना तो कम से कम ना 10 कट लगा दिए। शांति बता क्या बात थी? आंटी नहीं, 4-5 कट लग गए थे। वो कह रही थी कि वो भी 3 साल के बाद हुआ था, मतलब कह रही भैया ने इतना प्रोफेशनल तरीके से किया। निशु भी आया, वो यही बोलता कि यार लग नहीं रहा कि घर पे हुआ मुंडन, ऐसा लग रहा बाहर नहीं हो गया था। किसको बुलाया था मुंडन के लिए? हमने बुलाया था बाहर अब्रॉड से। एक टप बोला बेटा, एक टप बोला कि टिकिया पे लगाया मैंने, देखो ये देखो काला टिक्का। गुडू इनके ना गंजे ऐसे लग रहे हैं जैसे दूर से देखो तो अंडे बोलते हैं ना, वैसे इनके गंजे लग रहे हैं। तो गाइस मैं जाने वाला हूँ घर पे, पायल और गोलू जा रहे हैं कुछ सूट वगैरह लेने के लिए। और ये जो टेकिंग हो रही है, जो कैमरे की क्वालिटी है, ये कैसी लगी, आवाज कैसी लगी, क्योंकि ये कैमरा मैंने अभी गाड़ी में लगा दिया परमानेंट, जब भी बाहर कहीं जाया करेंगी तो ये सीन इनके आने ही आने। ये हमारे लिए स्पेशल चीज इन्होंने करी है, क्योंकि ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम मैं और गोलू गाड़ी में बहुत इंजॉय करते हुए जाते हैं ना, वो मिस हो जाती है आप लोगों को, हम दिखा नहीं पाते हैं। तो इसके लिए इन्होंने ये GoPro लगा दिया यहाँ पे कि हम जो भी बात करेंगे, जो भी मस्ती करेंगे वो आपको डायरेक्ट दिखाई दे। फिलहाल मैंने गोलू को ना वाजे मार मार के बुलाया, पता नहीं क्या कर रही थी बाहर सड़क पे। मैं गाइस स्नैपचैट बना रही थी अपने, क्योंकि आजकल क्या है मैं और पायल ना हर जगह एक्टिव है। देखो हमें इन्होंने सिखाया कि ना हर एक प्लेटफॉर्म पे ना एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि हमारा काम ही यही है सोशल मीडिया पे एक्टिव होना। तो मैं स्नैपचैट बना रही थी अपने लिए, और जिन लोगों ने मेको और पायल को स्नैपचैट पे फॉलो नहीं करा ना तो काम करूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी हमारे स्नैपचैट अकाउंट का, जाके फॉलो करना। तो गाइस हम लोग ना जा रहे हैं सेक्टर 17, और पायल हम पहले गए सेक्टर 17 नहीं ना, मुझे थोड़ी पता है सेक्टर 17 गए कि नहीं गए। नहीं हम जाते रहते ना, 22 की मार्केट तो जाते हैं, जा चुके हैं सेक्टर 17 शायद पहली बार जा रहे हो। तो देखते हैं वहाँ जाकर हमारे को कैसी साड़ी मिलती है और क्या कलेक्शन मिलता है। बस साथ में ना मैं अपना खाना लेके आई हूँ, जो मुझे खाना है, पपीता और अनार भी लाइए। अनार तू खाती है ना, तेरे लिए लाइए, मैं पपीता लाई।
पर अभी मैं नहीं खाऊंगी अनार, मैं जाते टाइम खाऊंगी अभी, क्योंकि मेरे को भूख नहीं है। मैं घर से ना अच्छा हैवी नाश्ता करके आई थी। इसको पागल है, जा ही तो रहे हैं। जाती हूँ खाऊंगी ना। आते हुए कहते हैं जा रहे हैं, आएंगे। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। पपीता खा ले। नहीं, क्यों नहीं खाते पपीता? मुझे पपीता कम पसंद है, पता नहीं क्यों। पपीता इतना हेल्दी होता है पेट के लिए, और हेल्दी होता है और वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, ये सब कुछ तो ऐसे खाती नहीं है पपीता। मैं पपीता बहुत खाती हूँ, ऐसे पेट क्लीन होता है, वेट लॉस में हेल्प करता है। पाल को एप्पल पसंद नहीं है। मुझे एप्पल पसंद नहीं है। मेरे को एप्पल बहुत पसंद है। और अभी ना मैंने ना कल परसों गाइस एक नई चीज सीखी है कि ना जिम जाने से पहले या जिम जाने के बाद ना आप दही फेंट के ना उसमें एप्पल, बनाना, अनार ये सब डाल सकते हो और खाओ, बहुत ही हेल्दी होता है। और मैं एक खाया भी है। एक तरीके से प्री वर्कआउट हो जाता है वो। हाँ, प्रोटीन भी होता है ना, फुल ऑफ प्रोटीन, तो वो जरूर ट्राई करना। आज मैं जब ट्राई करूंगी ना जिम जाने से पहले, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वाह वाह, साड़ी रब ने बना दी जोड़ी। प्यार ना कर, प्यार है भाई भाई का। मैंने कहा भैया आप भी खाओ, मैंने आगे दे दिया था। कितना बतमीज है तू। अब तू बोल, तू भी खा ले। कब से खाए जा रहा है? कब से बेचारा खिलाई जा रहा है, खिलाई जा रहा है। बहुत ज्यादा, बहुत भूख लग रही है। ये अभी तो फार्म पे से खाना खा के आया, ऐसे पेट भर गया। हाँ, भूख लग रही है। तो घर पे क्यों नहीं खाया? खाना बना हुआ था इतना सारा, सीधा इधर ही आ गया ना। तो गाइस पिछली बार इतना अच्छा सिस्टम हुआ था ना, जैसे हम लोगों ने जो लक्ष्मी पूजन कर लिया था ना, उसके बाद जितने भी हमारे घर के सारे लड़के हैं ना, जितनी हमारी टीम मेंबर्स सब आए थे और सबने ऊपर खाना खाया था। याद है पालकी, इकट्ठे होके। गोलू, पिछली बार हमारे पास इतनी फैमिली नहीं थी बड़ी, इस बार फैमिली बहुत बड़ी है, तो एक अकेली शांति से वो नहीं हो पाता। पर मैंने ये बोला था हलवा और छोले जो नीचे भिजवा दिया था। आपने हलवा छोले भी नहीं खाए भैया? खाए थे ना। अच्छा चलो, वो तो खाए। तो गाइस फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं फैब इंडिया। फैब इंडिया से ना हमें साड़ी लेनी है, और साड़ी क्यों लेनी वो तो आपको मैं बाद में ही बताऊंगी, क्योंकि एक आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी स्पेशल डे है जिसके लिए हम ये साड़ी ले रहे हैं, जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। बोलू, तूने वो भैया को फोन कर दिया, मिक्का भैया को? हाँ, मैंने सुबह ही कर दिया था। क्या कहते? उन्होंने बोला था कि आप ना काम देखो। मिक्का भैया की इतनी लंबी उम्र है और उनका कॉल लग गया। गाइस आज हमने सोचा है ना कि मैं और गोलू ना कहीं बाहर लंच करें, बढ़िया सा है गोलू? हाँ यार, करती है। तो जहाँ पे हम जा रहे हैं ना वहाँ पे ताज होटल है गाइस, और कभी ताज होटल में हमने खाया नहीं है। मेरे को तो यार वो याद है, हम जब हैदराबाद में थे ना तो हमने ताज की एक बार दाल मखनी मंगाई थी, दाल रोटी याद है? सिंपल दाल थी, दाल तड़का। वाओ यार, इडली और वो सांबर। मैं अगर पायल तू हमें लंच करेंगे ना, तो हम साउथ इंडियन करेंगे, सिंपल खाना। या तो हम डोसा खाएंगे या तो हम सिंपल उत्पम या इडली, तीनों में से कोई एक चीज लेंगे। मेरे को ना गाड़ी में ऐसे बैठना बहुत अच्छा लगता है, पैर के पैर। ये तो है ही। अरे क्या हो गया, पायल गिर गई? तो यार पायल भी, गाइस की पायल भी देखो इतनी भारी और इतनी सुंदर है ना, अच्छी पायल। और मेरी पायल भी, मेरी वाली पायल भी अच्छी है बहुत। तो गाइस हम लोग पहुंच गए सेक्टर 17, और अभी ना थोड़ी सी लोकेशन में ना समझ नहीं आ रहा कहाँ पर है, क्योंकि हमारी जो लोकेशन है ना वो तो स्टॉप हो गई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मार्केट के अंदर है, क्योंकि यहाँ से दिख नहीं रहा हमें। तो अभी गाड़ी पार्क करते हैं और जाकर ढूंढते हैं, और हमें जो चाहिए उसको जाकर लेकर आते हैं। क्या हुआ? छिपकली खुले, छिपकली थी कहाँ पे? 14 रुपए खुले भैया। हमारी भैया अंदर तो नहीं है? ना, यहाँ पे ना भाग। तो गाइस अभी ना हमने देखा कि हमारी ना ड्राइवर सीट होती थी, उस पे छिपकली थी शीशे पे। ये भैया पता नहीं कहाँ से कभी गाड़ियों में चूहे ले आते हैं, कभी छिपकली आते हैं, मरवाना चाहते हैं हमें, मतलब चलती गाड़ी का ही एक्सीडेंट कराना चाहते हैं, बदतमीज लोग। जानवरों से प्यार है ना, जानवरों से प्यार है भैया, पर छिपकली से प्यार नहीं है ना भैया, छिपकली से तो डर लगता है भैया। इतना प्यारा मौसम हो रहा है, छिपकली छिपकली ये मुझे पागल बनाती है। तो गाइस जैसी साड़ी हमें चाहिए थी ना, तो वैसी साड़ी तो भी एग्जैक्ट सेम नहीं मिली। एक साड़ी पसंद तो आई बहुत ज्यादा, बट ना वो चंदेरी सिल्क में है, और मैं और पायल ना कैरी नहीं कर पाते चंदेरी सिल्क को, मैं ना काफी ज्यादा ट्रांजी होती है। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ कैसे। चलो साड़ी एक बार लेकर आई हूँ, साड़ी हमें पसंद आई थी तो पायल अभी लेके आ रही। तो साड़ी के साथ साड़ी बहुत सुंदर है, जैसी मैं लुक करनी है वैसी ही है। बट ना ये देखो, ये जो है ना इसके साथ अगर हमने एक दो बार सेफ्टी पिन लगाया ना, तो ये साड़ी ना फट जाएगी। तो अभी इतनी महंगी चीज लेने को समझ के ले लीजिए। ये वाली है, असल ये चंदेरी में है, ये कॉटन में चंदेरी है, ये आपके अच्छी लगेगी, इस रेस्ट को चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले ना मुझे पायल को लगा कि ना हम उल्टी साड़ी पहन रहे, क्योंकि ये होता है ना मोस्टली जो रेड कलर का बॉर्डर होता है बाहर की तरफ होता है, बट इसकी जो लेस है वो इस साइड है, और ये जो अंदर है ना ये प्लेन है, तो ये डिजाइन है बाहर से। तो अभी ना एक बार ना साड़ी वियर करके देख रही है पायल, क्योंकि जब तक हम चीज खुद
पहनते नहीं ना तब तक उसकी लुक क्या समझ नहीं आती, तो अगर लुक क्लिक कर गई ना फिर हम साड़ी देखते हैं। और अभी ये भी बोला है इनको कि हम दोनों को दो चीजें चाहिए होती है एज यूजुअल, तो अभी साड़ी मंगवाने के लिए बोला एक और देखते हैं अलग से ऊपर। वैसे नहीं बात नहीं पाएगी, साड़ी देख अपनी जगह बहुत सुंदर है बट ना हमें जो साड़ी चाहिए ना अपना थोड़ा मोटा चौड़ा देख। अब एक बात बता देगा अभी चौड़ा मोटा कैसे लग रहा है, ये आ रही है बंगाली लुक है ना, ये नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, प्लेन नहीं आ रही। तो गाइस कुछ करने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब यहाँ गए हमें ऑनलाइन लुक क्रिएट करनी हो तो देख मतलब कितनी इजीली मिलती है साड़ियाँ, अगर भाई ना दिल्ली होता ना अभी तो इजीली मिल जाती है दिल्ली में। हाँ ये तो है। तो गाइस ये साड़ी बहुत पसंद आई मुझे, लेकिन इसमें एक ही पीस है और एक पीस हम नहीं ले सकते, हम दोनों को लेना है सेम। कभी कभी फायदा भी होता है कभी कभी नुकसान भी होता है। तो गाइस हम तो देखो शॉपिंग ये कितने करते नहीं है, कपड़ों की बहुत कम करते हैं। ये जो साड़ी है कितनी है, 1,15,000 की गोल्ड पॉलिश होती, प्लेटेड गोल्ड से पॉलिश करके जरी डाली जाती है। कैसे हो आज आप भी खिलवाओ फोटो, नवरात्रि का फल मिल गया, नवरात्रि का यही तो चाहिए हमें भैया। इसमें और कुछ ज्यादा अच्छी सी हो कोई, वो कलर लग रहा है ये है तो सेम ही कलर भैया, इससे थोड़ी हैवी हो। मैं गाइस आपको एक बात बता देती हूँ, जैसे ना पायल ने बोला कि गोलू इस मार्केट पे चलते हैं, जैसे तो पायल ना फोन पे बात करने लगी क्योंकि इसको हो गया कि मैं कहीं और पता करती हूँ, जैसे मैंने देखा ना सामने साड़ी की दुकान, मैंने पायल बोरी दुकान, तो पायल ने गाड़ी रुकवाई मैंने दुकान दिखाई। इसे बोलते हैं एक हाथ से नहीं बचती ताली, दुआ से बचती। देखो भैया देखो अपना फोन छोड़ के नहीं आई, छोड़ देती है, मैं तो बोला उठा लेती हूँ पायल। हाँ? फोन उठाने के लिए कोई रखा हो तूने, तू है ना, तेरी तू है, कोई बात नहीं। हाँ, बड़ी है मुझे ये भैया दो चाहिए, देखो कुछ भी हो जाए दो चाहिए। नहीं नहीं भैया अपनी पूरी दुकान खंगाल दो और दो दे दो, और दो दे दो, ऐसे मत करो, मैं साड़ी लेके जाऊंगी भाई, मैं भी तेरे को दिला के ही मानूंगी साड़ी, टेंशन मत ले। ये वाली जो साड़ी हम देख रहे हैं ये प्योर सिल्क है और इसको ना बहुत ज्यादा डेलिकेट से रखना पड़ता है, बहुत डेलिकेट पीस होता है, इसको पन्नी में नहीं रखते, सिंपल बात। मैंने पूछा क्यों, कह रहे क्योंकि पन्नी में होता है कैमिकल। पायल वैसे एक बात बोलूं, लुक ना इसमें ही आएगी जब हम पूरा मेकअप वेकअप करेंगे, जूड़ा करेंगे, ज्वेलरी पहनेंगे ना सिंपल, और इसमें दो भी है, इसमें तो बहुत सारी है, इसमें तो मिल जाएगी हमें है ना, सिंपल की सिंपल और ये प्रॉपर लग रही है बंगाली। आपने वैसे पहले यही निकाली थी ना बंगाली लुक में, बोलो पहन के तो देखो पता लगेगा। पायल कैसे पहनू, बहुत ज्यादा ना मतलब काफी ज्यादा स्टिफ साड़ी है ये, मैं पकड़ लेती हूँ। आ रही है, हाँ लुक तो आ रही है, हाँ आ रही है बंगाली ना, आ रही है शीशे में देख, तुझे क्या लग रहा है। हाँ ये है बंगाली साड़ी, थोड़ी सी छिजर पड़ी है वो भैया देंगे तो चेंज करवा लेंगे। चाय लोगे मैम, हम साड़ी दे दो सब, कॉफी वगैरह बता दे। दोबारा साड़ी देखने क्यों आए हैं? हाँ इसलिए आए हैं क्योंकि उस साड़ी पे थोड़ा दाग है, तो हम देख रहे अगर यहाँ मिल गई तो ठीक है अच्छी बात है। यहाँ पर ना हम लोग अपना पेटीकोट को मैच करवा रहे हैं और बहुत सारे पेटीकोट है। पहले मैं और पायल क्या करते थे, बड़ी फनी बात है पायल याद है, हम किसी के साथ भी लेगिंग के साथ, लेगिंग के साथ या किसी के साथ भी कोई भी ना साड़ी पहन लेते पेटीकोट के साथ, वो लुक नहीं आती, तो हमने कहा कल प्रॉपर लुक कर रहे हैं ना तो अच्छे से पेटीकोट लेते हैं भाई, मैच कर रहे हैं। घर से वही बात निकली और आप मिल गए, तो अभी ना बहुत तेज भूख लग रही थी तो हमने सबके लिए ना पैटी पनीर कुलचा और सैंडविच पैक करवा लिया, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी ले लिए। तो अभी ना यहाँ पर पता चला है कि हम लोगों ने ना पेटीकोट ले लिए, तीन पेटीकोट ले ली, तीन साड़ी हो गई, तो अभी मैं और पायल जा रहे पालिका बाजार, वहाँ से लेके आएंगे ब्लाउज। तो ये जो साड़ी है ना ये इतनी यादगार रहेगी ना, साड़ी कहीं से है, पेटीकोट कहीं से, ब्लाउज कहीं से। तो गाइस फाइनली हमें साड़ी मिल गई है और इतनी एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव साड़ियां थी। हेलो, हाउ आर द किड्स, दे आर ऑल फाइन,
एक्चुअली हम बहुत फटाफट शॉपिंग करने आए थे ना, चीकू भी नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल हो आप दोनों। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके बाय। आप बनाएंगे अभी तो अभी हम करवा चौथ के खाने की देख रहे हैं, पर अभी वो जरूरी नहीं है, पहले है लुक के लिए। यहाँ पर ना हम लोगों ने ना हल्का भी ले लिया है, दो लिए है, एक हालांकि हमने फिर भी ना एक्स्ट्रा लेके रखा, कभी ऐसा ना हो ना कि कोई कम ना पड़ जाए, सिर्फ दो आलता ले लिया। और हमारी जो चूड़ी है ना बंगाली लुक में ना गाइस, चूड़ी दिखा रहे थे रेड एंड वाइट, तो रेड तो हमें मिल गई सेम जैसे हमें चाहिए थी, बट वाइट नहीं मिली तो हमने अभी रेड ले लिया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंदूर भी ले लिया है रेड कलर का पाउडर वाला, बहुत सुंदर लुक आती है। देखो लिक्विड सिंदूर लगाया मैंने, उसकी लुक अलग आती है, बट पाउडर वाले की बहुत सुंदर। ये जो है ना गाइस मेरे बचपन का है, बचपन में छोटी थी ना तो मम्मी ऐसे लेती थी, तब भी कुछ बात नहीं, देखो अभी भी कुछ बात। ये इसके ऊपर हमारा छोटा वाला है ना पल्लू के लिए चाहिए, तो ये भी चाहिए। पल्लू ये हो जाएगा पल्लू पे, पल्लू थोड़ी होते हैं, ये होता है पल्लू, ये कहाँ लगाने देखो, एक बांधना है नीचे वाला, तो बिल्कुल मैच हो गया। एक और गाइस अभी क्या हुआ ना कि आपने जितनी भी ज्वेलरी हमारे को पहनते हुए देखा था ना, वो सब ना हमने सिलेक्ट कर लिया था, बड़े बड़े चोकर नीचे लंबे हार वो सब सिलेक्ट कर लिया था। फिर ना बाद में जब गोलू ने बोला कि पायल ये जो ऊपर वाले हार है ना इनका रेट बहुत ज्यादा है, तो मैंने बोला भैया कि एक काम करो, ऊपर वाले सेट जो बड़े बड़े सेट है वो हटा दो, अब हमें लंबे वाले सेट दे दो, हार लंबे वाले, तो वो हटा के ना फिर मैंने लंबे वाले सेट ओके कर दिए, झुमकी भी हो गई, दो गुच्छे, यार गुच्छे तो बहुत जरूरी थे गोलू, यार गुच्छे तो अच्छे थे, मेरा काम खराब कर दिया। मैं थोड़ी काम खराब करा है, तूने इससे मेरे को पहले डरा दिया गाइस, इसने मुझे बोला बहुत महंगा बहुत महंगा बहुत महंगा, तो फिर मेरे को भी लगा यार, उसने ना मेरे को टोटल बिल बताया 12,000 कुछ का। हम लोगों ने मराठी के टाइम ज्वेलरी ली थी, गले के चोकर सेट थे, छोटे छोटे थे बट वो रीजनेबल प्राइस पे थे। ये यार मेरे को ऐसा लगा 12,000 तो नहीं करना चाहिए, मुझे भी लगा बोलो, पर वो गुच्छे ठीक थे, ठीक है बोल, पर वो गुच्छे हमें लेने थे क्योंकि हमारे जो गेटअप है ना उसमें गुच्छे की बहुत जरूरत। अब ले ले फिर आप थोड़ी वापस जाएंगे इतनी दूर। फिर उसने कहा कि 15% आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट के बाद उसने 10,608 का बिल उसने बना के हमें दिखा। मैंने कहा भैया हम यहाँ पे कोई मतलब गोल्ड प्लेटेड थोड़ी लेने आए हैं, इतनी महंगी थोड़ी होती है ज्वेलरी। हम इसको देख लो गाइस, सो रही है, बहुत देर हो गई, 2 घंटे हो गए सोते सोते, उठने का नाम नहीं ले रही है। सुनाई दे रहा है मुझको सारा, 2 घंटे नहीं हुए, नहीं 2 घंटे, मुझे पता नहीं क्यों यार पायलट की तेज की नींद आ रही है ना, तुझे पता नींद क्यों आ रही है? क्योंकि घर जाके जिम जाना है इसलिए नींद आ रही है। सुबह गाइस हम लोग 7 बजे के करीब उठ गए थे, पायल की नींद खुली गाइस उसके 10-15 मिनट बाद फिर बिल्कुल गई, तो इतनी नींद आ रही है ना, मेरा तो मन कर रहा है सो जाऊं, पर यार जिम जाना है, बहुत सारे काम है। मेरे को ना एक चीज पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मेरा जिम का गैप आ जाता है ना 2-4 दिन का, तो मेरा मन नहीं करता जिम जाने का। तो जस्ट अभी अभी चीकू का भी कॉल आया लक्ष्य की मुंजे, मम्मा कहाँ पे हो, क्योंकि जब हमने कंजक बिठाई थी तो चीकू उसी टाइम हमसे मिला था, उसके बाद से हम लोग फार्म चले गए थे तो चीकू हमें मिला ही नहीं, वो खेलने मिलने चला गया था। अब जस्ट चीकू का कॉल आया, उसने देखा होगा मम्मी घर पे नहीं है, तो उसका कॉल आया मम्मी कहाँ, हमने बोला बस जस्ट बेटा पहुँच गए घर के नीचे। गिफ्ट लगी, तेरा गिफ्ट नहीं है, मेरा ही गिफ्ट है, मुझे ही दिया था किसी ने। गोलू मैंने तो अपना पपीता खा लिया था, ये अनार कौन खाएगा? तू ही खाएगी, मैं क्यों कहूँगी, तेरा था, मैंने पपीता खाया था। यार पता नहीं पर मैं तो थोड़ा सा खाना खाती हूँ, अब तूने इसे खाने का नाम लिया ना भी, मुझे इतना भरा भरा महसूस हो रहा है। इतनी बड़ी झूठी है, इतनी बड़ी पेटीज खाई थी इसलिए थोड़ा सा खाना खाती हूँ, पेट भर जाता है। कब ये नहीं सोच रही कि सुबह से एक सुबह क्या खाया पहले मैंने, शांति ने गाइस छोले पूरी कितनी खाई मैंने, 2 पूरी खाई अभी, पहले से अपनी जो डाइट है ना वो कम कर ली है। तो गाइस मैंने इसको ना जैसे मेरा ये मेरे को देखा देखना अभी इसने अपनी डाइट कम कर दी, क्योंकि मैं देखो बाहर का फूड बहुत ही ज्यादा कम कर दिया मैंने, बहुत ज्यादा, जैसे कहीं बाहर चले गए और कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो बाहर का खाते हैं हम दोनों, वरना हम घर का ही लेके चलते हैं। जैसे मैंने पकड़ा वो भी हम लोग ऐसा नहीं खाते, थोड़ा बहुत जैसे हमने भाई आलू पैटी खाई और थोड़ा सा छोले पायल ने वो खाया होगा हाफ। तो बस अब टाइम वेस्ट किए बिना घर पहुंचते हैं, इस व्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।